जो केस है दैट इज कॉनिकल पेंडुलम. तो मैं दो चार क्वेश्चन बीच में छोड़े हैं मैंने, उसका रीजन है आज हम स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो आज स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन करते हैं सीधा एक जैसे क्वेश्चन से. तो जैसे ये एक ये कहोगे कि पेंडुलम कैसा है, पेंडुलम अगर एक पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव करे इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, राइट. तो याद रखना अगर टू एंड फ्रो मूव करता है लेफ्ट राइट मूव करता जा रहा है, तो अगर ये पेंडुलम है ये कभी यहां आ रहा है कभी यहां जा रहा है और इस तरीके से मूव करता है, दिस इज नोन एज सिंपल पेंडुलम, ठीक. और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, 2π अंडर रूट ऑफ एल बाय जी. तो एरर्स के अंदर भी हमने देखा टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π अंडर रूट ऑफ एल बाय जी. कोई डाउट इस पे? ठीक है यहां तक? तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई इसमें, ठीक. लेकिन इसका प्रूफ नहीं करवाया, और मजे की बात है मैंने बताया था इसका प्रूफ जनवरी में आएगा जब सारा कुछ खत्म हो जाएगा, और यूज ये कम से कम 50 बार यूज होगा पूरे साल में, इसका प्रूफ एंड में आता है. कोई बात नहीं एंड में कर लेंगे. तो अभी तो ये फॉर्मूला है, पर ये पेंडुलम ऐसा नहीं है. ये पेंडुलम कैसे, आपने एक स्ट्रिंग लिया, धागा लिया, नीचे पत्थर बांध दिया या बॉब बांध दिया, आपने इसको ऐसे नहीं मूव करवाना, आपने ऐसे मूव करवाना है, तो आपको कोन की तरह नजर आएगा, इसलिए इसका नाम है कॉनिकल पेंडुलम, ठीक. याद क्लियर है? तो आपको ये बताना है इस कॉनिकल पेंडुलम में कि ये कॉनिकल पेंडुलम का ये मास यहां से चला घूम के वापस आ गया इन टाइम कैपिटल टी, फिर चला फिर वापस आ गया इन टाइम कैपिटल टी. स्पीड सेम है ना, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड सेम रखनी है, तो टाइम पीरियड हर चक्कर का विल रिमेन सेम. आपको निकालना है कैपिटल टी की वैल्यू क्या होगी उसकी. ये जो पत्थर देख रहे हो ये पत्थर नीचे सर्कल घूमता जा रहा है ऐसा, आपको बताना है एक चक्कर का टाइम क्या होगा, और कंफ्यूज नहीं होना, या टी फॉर टेंशन भी और टी फॉर टाइम पीरियड भी है, तो टाइम पीरियड यूज नहीं करेंगे, पर यहां पर टी फॉर टेंशन नहीं है डायग्राम में. कोई डाउट है इसमें? निकालना क्या है, समझ में आ रहा है? टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम लिखना है, लिख लो. टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम लिख लो ऊपर, टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. Oh, I'm sorry. Time period of a conical pendulum. I'm sorry. Simple, ne? Conical pendulum. Time period of a conical pendulum. देखो, बस मुझे एक चीज बता दो और भूलना नहीं, ये मास कितने रेडियस में मूव कर रहा है? स्मॉल आर दिख रहा है, स्मॉल आर, राइट. आपको स्मॉल आर इन क्वेश्चंस में कभी भी गिवन नहीं होता, ये मेरी अजम्पशन है. स्मॉल आर आपको इसकी बजाय लेंथ ऑफ द पेंडुलम गिवन होती है, एल गिवन होता है, और आपको ये पता होता है कि थीटा एंगल पर वो गोल घूम रहा है, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा गिवन होता है. कोई बात नहीं, हम आर निकाल लेंगे, क्योंकि साइन इस राइट एंगल ट्राइंगल में is equal to small r by l, तो small r is equal to l sin theta. कोई डाउट इसमें? small r की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? l sin theta. ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक? तो कभी भी नहीं गिवन होगा, तो पूछने की और ढूंढने की जरूरत नहीं सर small r नहीं गिवन क्वेश्चन में, l गिवन है, theta गिवन है, एक्सपेक्टेड है, आप खुद निकाल लें. स्ट्रिंग क्योंकि टेढ़ी है, ये देखो टेंशन इसमें t है, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, टेंशन के दो कंपोनेंट्स टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, और वेट इसका एमजी. अब पेंडुलम ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बस हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता जा रहा है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये सर्कल देख रहे हो, नीचे वाला सर्कल देखना है आपने. तो टी कॉस थीटा किसके इक्वल होगी? वेट एमजी. कोई डाउट इसमें? पहली क्वेश्चन क्लियर है? और कौन सी फोर्स इसको इसके सर्कल के सेंटर की तरफ लेके जा रही है? टी साइन थीटा. तो टी साइन थीटा इसमें कौन एक्ट करेगा? लाइक सेंट्रिपिटल. कितनी? एम आर ओमेगा का
स्क्वायर, आप सोच रहे हैं एम वी स्क्वायर बाय आर क्यों नहीं यूज किया, किसी क्वेश्चन में एम वी स्क्वायर बाय आर यूज कर लेते हैं, किसी में एम आर ओमेगा, मुझे कैसे पता लगेगा? क्योंकि जिन क्वेश्चंस में आपको क्या निकालना हो, टाइम पीरियड याद रखना, ठीक, कि एक चक्कर का टाइम निकालना है आपको क्या होगा, ठीक, टाइम पीरियड, उन क्वेश्चंस में हम ओमेगा का फॉर्मूला यूज करते हैं। उसका रीजन है, हमने किया था ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाय डी टी डेफिनेशन थी, और ये सर्कल के अंदर क्या होता था, डी थीटा का मतलब ये स्मॉल एंगल डी थीटा कवर्ड इन टाइम डी टी। मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर ये बॉडी पूरा चक्कर काट लेती है तो एंगल बोलो क्या हो जाता है, जीरो, क्यों, टू बाय आर, पूरे चक्कर में सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर एंगल सबटेंडेड कितना हो जाता है, टू पाई। और एक चक्कर का टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओमेगा इज ऑलवेज इक्वल टू टू पाई बाय कैपिटल टी, भूलना नहीं है, किसी भी सर्कुलर मोशन में ओमेगा का और कैपिटल टी का फॉर्मूला फिक्स है, ओमेगा इज टू पाई बाय कैपिटल टी। ठीक, स्कूल के अंदर भी ये क्वेश्चन आता होता है कि अगर एक वो घड़ी है और घड़ी में जो मिनट हैंड है, सेकंड हैंड है, जो हैंड, इनका इनका ओमेगा निकालो क्या होगा, तो जो सेकंड की सुई है वो एक चक्कर कितनी देर में काटती है, 60 सेकंड, तो ओमेगा क्या होगा, 2 पाई बाय 60। मिनट कितनी देर में, जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में 60 इंटू 60 करना पड़ेगा, जो आर हैंड है वो 24 घंटे में कि 12 घंटे में, 24 नहीं होता ना घड़ी में, 12 घंटे में, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 12 इंटू 60 इंटू 60 कर लोगे ओमेगा, ऐसे निकलेगा ओमेगा। कोई डाउट इसमें? चलो अपने क्वेश्चन वापस आते हैं, मेरे को इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं जान के सेंट्रीपिटल की जगह एम आर ओमेगा स्क्वायर पुट करूंगा, क्योंकि अगर मेरे को ओमेगा पता लग गया तो मैं वैसे कैपिटल टी कैन बी कैलकुलेटेड, टाइम पीरियड आ जाएगा। कैसे, देखो ये क्लियर है, ये क्लियर है, स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर देना है, एल साइन थीटा, क्लियर है। इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन से डिवाइड कर देना है, टी से टी कैंसल, एम से एम कैंसल, तो साइन बाई कॉस क्या है, टेन, तो ये वैल्यू आ गई टेन थीटा की। कोई डाउट इसमें? क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। टेन को क्या पुट कर सकते हैं, साइन बाय कॉस, साइन से साइन कैंसल, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा अंडर रूट ले लिया, और ओमेगा को क्या पुट कर सकते हैं, अभी सिखाया, टू पाई बाय कैपिटल टी फॉर टाइम पीरियड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आया, टू पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी। सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, इसमें एक्स्ट्रा क्या लगता है, कॉस थीटा, फॉर्मूला याद कर लो इसका, ये फॉर्मूला ही बन गया बेसिकली। तो आज की बात कोन का केस ऑब्जेक्टिव में सॉल्व थोड़ा ना करेंगे, 2 पाई रूट एल कॉस थीटा बाय जी, ठीक है यहां तक? सपोज आपके पास एक हेमिस्फेयर है, एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर गोल घूमता जा रहा है विद ओमेगा, ओमेगा गिवन है, या ऐसे बोल लेते हैं कि ओमेगा के साथ, देखते हैं ओमेगा गिवन है कि नहीं। इस हेमिस्फेयर, ये जो हेमिस्फेयर है जो रोटेट कर रहे हैं अपने एक्सिस पे, यहां पर ना एक इंसेक्ट है, चींटी है, चींटी इंसेक्ट, वो क्योंकि जब आप ये घूमेगा हेमिस्फेयर, तो ये ना इस तरफ यहां पे रुकी हुई है और ये अपने इस सर्कल में घूमती जा रही है, ऐसे ये अपने सर्कल में घूमती जा रही है, आप घुमाना बंद कर दोगे ना तो ये नीचे आ जाएगी, आप घुमाते रहोगे तो यहीं रहेगी। आपको बताना है कि आपको इस इंसेक्ट को रेस्ट पे रखना है, तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा इसको घुमाने का, एक चक्कर कितनी देर में काटोगे, ओमेगा बोलो क्या होगा, हेमिस्फीयर का ओमेगा निकालो, ताकि ये किस पे रहे, मास
रेस्ट में और आर रेडियस में ही घूमती रहे। ठीक, हेमिस्फेयर का रेडियस कैपिटल आर गिवन है, और ये गिवन है कि इसने वर्टिकल के साथ एंगल क्या बनाया, थीटा, राइट ठीक। देखो इसके अंदर सबसे पहली चीज, अब इसको हमने किसी स्ट्रिंग के साथ तो बांधा नहीं, टेंशन के कंपोनेंट तो हो नहीं सकते। हाँ एक और काम हो सकता है कि अगर इसका मास m है तो इसका वेट क्या करेगा, mg। अब ये जो सरफेस देख रहे हो, इस सरफेस के साथ ये क्या एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। और ये आपने ऑप्टिक्स में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि अगर एक स्फीयर है उसका नॉर्मल कहां से पास करते हैं, उसके सेंटर से। तो ऑब्वियसली नॉर्मल भी, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, कहां से पास करेगा, हेमिस्फीयर के सेंटर से। हेमिस्फीयर का सेंटर ये रहा, तो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो उस केस में एन का पहला कंपोनेंट एन कॉस थीटा, और ये वाला कितना एन। बस ये बताओ कि जो इंसेक्ट है वो कितने रेडियस में घूम रहा है, कैपिटल आर, बिल्कुल भी नहीं, इंसेक्ट तो बेचारा स्मॉल आर में घूम रहा है। स्मॉल आर तो गिवन ही नहीं होगा, वो तो खुद निकालना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हो, साइन थीटा इज स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, तो स्मॉल आर इज कैपिटल आर साइन थीटा, कोई डाउट इसमें। स्मॉल आर कभी नहीं गिवन होता, खुद निकालना पड़ता है कैपिटल आर से, कोई डाउट इसमें। बाकी क्वेश्चन क्लियर है, एन कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, वेट, एम जी। और इस इंसेक्ट को, इसका सेंटर कहा है, इंसेक्ट का ये रहा, तो इसके सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रही है, एन साइन थीटा। तो एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला, एम आर ओमेगा स्क्वायर, रेडियस हेमिस्फीयर का नहीं, इंसेक्ट का, इंसेक्ट का छोटा आर रेडियस है, रेडियस समझ में आ रहा है, छोटा आर, छोटे आर को पुट कर लेंगे कैपिटल आर साइन थीटा। पहले से डिवाइड कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से, एम से एम कैंसिल, टैन थीटा आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओमेगा स्क्वायर, जी इधर आ गया, आर नीचे आ गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, टू पाई बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिलता जुलता नहीं आ गया पिछले क्वेश्चन से, उसमें क्या था पिछले क्वेश्चन में, कॉस थीटा, इसमें आर कॉस थीटा, मालूम क्यों, ये देखो दो मिनट के लिए हेमिस्फीयर को मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना जरा ये डायग्राम, ये मैंने हेमिस्फीयर को मिटा दिया, बस इतना सा पोर्शन आपको दिखा रहा हूं, बस ये रहा। आपको नहीं लग रहा ये कॉनिकल पेंडुलम बन गया, तो फॉर्म करने की जरूरत क्या थी, एल की जगह आर ही तो किया, कैपिटल आर, आंसर आ गया आर कॉस थीटा बाय जी। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें। और आज का लास्ट क्वेश्चन, सपोज देयर इज अ ड्रम, देखो एक ड्रम है, एक ड्रम के वॉल पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, म्यू गिवन है, ये ड्रम को आपने घुमाना है विद ओमेगा, और आपको मुझे बताना है कि कम कितने ओमेगा से घुमाएं, ज्यादा में तो कोई लिमिट नहीं, जितनी मर्जी तेज घुमा लो, सच दैट इसके अंदर एक मैन है, ये मैन यहां पे घूमेगा तो ऑब्वियसली ये दीवार के साथ की तरफ शिफ्ट ही हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगेगी, सूडो फोर्स, क्योंकि सिलेंडर घूमेगा, सिलेंडर के पास क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला सिलेंडर का रेडियस इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो मैन का अगर मास एम है तो सूडो फोर्स क्या लगेगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये रही सूडो फोर्स। ठीक, मैं ये चाहता हूं कि कम से कम ओमेगा बताओ, कि अगर मैं इसका फ्लोर हटा दूं, फर्श ही हटा दूं, ये मैन दीवार के साथ ही घूमता रहे और नीचे ना गिरे, अदरवाइज अगर स्लो कर दिया, रोक दिया, तो नीचे गिर जाएगा ये। तो आपको इसको हवा में घुमाना है ड्रम को, और फ्लोर भी हटा देना थोड़ी देर बाद, कम से कम ओमेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा करो, मैन चिपका रहेगा, ज्यादा नहीं करना, कम से कम, ज्यादा में तो कितना भी कर दोगे, कम से कम ओमेगा क्या होगा, ये मैन नीचे ना गिरे, ओमेगा बताना है कम से कम। पहले लॉजिक देखते, मैन नीचे गिरेगा क्यों,
बिकॉज ऑफ इट्स वेट एनर्जी, समझ में आता है। और मैन को कौन बचाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये भी समझ में आता है। तो क्लियर है एमजी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब क्योंकि मैन ने सूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाई थी दीवार के ऊपर, कितनी, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो बदले में दीवार क्या लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन। और अगर आप चाहते हो मैन नीचे ना गिरे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेट ऑफ द मैन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज न्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर, एंड में पुट कर देंगे आर ओमेगा, सीधा पुट कर लो, एम आर ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो तो भी चलेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की जगह सीधा पुट कर सकते हो एम आर ओमेगा स्क्वायर, एक ही बात है, ये पुट कर लिया देखो, एक ही जगह आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये इसकी वैल्यू आ गई आपके पास इनइक्वालिटी में, मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर म्यू और आर नीचे आ गया, अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा। अब ओमेगा की वैल्यू कम से कम इसके इक्वल या इससे बड़ी होनी चाहिए, तो कम से कम वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय म्यू आर, दिस इज द मिनिमम वैल्यू जिससे कि वो ड्रम घूमेगा और वो नीचे नहीं गिरेगा। क्लियर है। इन पूरे क्वेश्चन या पूरे टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी ये फोर्स का चैप्टर ही चल रहा है, फोर्स ही तो चल रही है। एक प्रॉब्लम है इसमें, हाउ टू कैलकुलेट सेंट्रिपिटल फोर्स, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, क्योंकि अलग अलग केस में आपको दिखाता जा रहा हूं, ये लिस्ट चलती जा रही है, कुछ भी नया नहीं आपके पास, बस सब वही चीजें हैं, बस मैं आपको ये अलग अलग एग्जाम्पल से दिखाता जा रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट सेंट्रिपिटल फोर्स, बस बाकी प्रैक्टिस है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं दो शीट्स का, आप प्लीज सर्कुलर पे वो शीट्स ट्राई करें, बहुत सिंपल है, एक एनसीईआरटी की शीट है और एक बहुत बेसिक शीट है सेंट्रिपिटल की। तो मैं दो मिनट दो मैं भी दे रहा हूं, शीट नंबर शीट एक एक शीट ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 22, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 22 एंड सब्जेक्टिव शीट नंबर 18। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज अपने रिसेप्शन से प्रिंट आउट लेंगे।